मुहयुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि दिल असल में ये दुनिया का जुज़ नहीं है, ये आखरत का जुज़ है। बाकी जितने अज्ज़ा इंसान के हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, ये ज़बान, ये सब दुनिया के जुज़ हैं, लेकिन दिल ये उज़्वे आखरत है, ये उज़्वे दुनिया नहीं। क्यों? इसलिए कि दिल एक ऐसी चीज़ है कि दिल कभी भी मासियत और गुनाह की दावत नहीं देता। दिल इंसान को हमेशा खैर और सच्चाई की तरफ लेके जाता है, दिल इंसान को कभी गुमराही और जहालत की दावत नहीं देता। वो इंसान का नफ्स है जो इंसान को गुमराह करता है, लेकिन दिल एक ऐसी चीज़ है ये इंसान को हमेशा सदाकत का सबक देता है। उसके अलावा जिस्म के जितने अज्जा हैं वो दुनिया के, मसलन फरमाया कि हाथ है, हाथ के अंदर अगर हलाल रोज़ी पकड़ें ये हाथ पकड़ लेंगे, हाथ में अगर हराम रोज़ी पकड़ें तो ये पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हराम रोज़ी पकड़ने से हाथ में कांटे लगने लगे और हलाल रोज़ी पकड़ने से हाथ ठंडा हो जाए, नहीं। इस आँख से आपने अगर नेकी देखी, कुरान देखा, तो ये आँख देख लेगी। अगर इसी आँख से आपने गुनाह देखा, मासियत देखी, ये आँख देख लेगी। ऐसा नहीं होगा कि गुनाह देखने के वक्त आँख के अंदर सुइयाँ चुभने लगे या कुरान देखने के बाद आँख के अंदर कोई ठंडक उतरने लगे। वो तो इंसान की वीजानी कैफियत है कि इंसान को कुरान देख कर सुकून मिलता है। इस तरह ज़बान है, ज़बान पे हलाल रुकमा रखा तो ये खा लेगी, अगर हराम रुकमा रखा तो खा लेगी। कभी ये ज़बान में ऐसा महसूस नहीं होगा कि हराम खाने की वजह से ज़बान के अंदर सुइयाँ चुभने लगे। तो गोया कि ज़बान हो, नाक हो, कान हो, हाथ पैर हो, पूरे जिस्म का कोई भी उज़्व हो, उसके अंदर हलाल हराम का कोई तमय्युज़ नहीं। वह हलाल हराम हक बातिल की कोई तमीज़ नहीं रखता। हाँ, वाहिद एक दिल है कि दिल है कि ये हमेशा आपको खैर की तालीम देगा, यहाँ तक कि अगर आप रिश्वत पकड़ेंगे इस हाथ से हाथ तो पकड़ लेगा, लेकिन दिल तुम्हें कहेगा देखो यार रिश्वत है तो हराम, बच्चों को हराम खिलाएगा। फिर आगे नफ्स धोखा देगा कि यार क्या करें, मजबूरी है, रिश्वत के बगैर गुजारा नहीं होता यार, खिलानी है, अब ले जाते। किसी का माल चोरी किया तो चोर का जो दिल है उसको कहेगा कि यार देखो किसी का माल चोरी करे, उस बेचारे कितनी मेहनत से कमाया होगा। वो दिल तो उसको सच्चाई की दावत देगा। अब नफ्स कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, बहुत है उसके पास, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, चलो क्या हुआ चोरी करें। तो गोया कि आप देखेंगे कि खैर की तालीम दिल देता है कि दिल कभी जो गुनाह और मासियत की तालीम नहीं देता। इसी तो हदीस में फरमाया कि इस्तफ्ती कलबक, अगर तुम्हें को मसला दरपेश हो है तो तुम अपने दिल से भी फतवा लिया करो। इन अफ्ताकर नास, अगरचे लोग तुम्हें फतवे दें, मुफ्ती से आपने फतवा पूछा कि हज़रत इसके बारे में क्या फतवा है, मुफ्ती ने फतवा दे दिया, लेकिन फरमाया कि अपने दिल से भी पूछा करो कि यार मुफ्ती ने तो मुझे कह दिया ये हलाल है मेरे लिए, लेकिन यार मेरा दिल क्या कह रहा है। दिल कहता है नहीं भाई, ये तुमने सवाल ऐसा मरोड़ तरोड़ के मुफ्ती को बताया है तो मुफ्ती ने हलाल कह दिया, लेकिन अंदर की बात तो मुफ्ती को पता नहीं है, लिहाजा दिल से भी पूछा करो। दिल कहेगा नहीं 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 खाओ, ये जायज़ नहीं है। क्या होगा? तो इससे मालूम है कि दिल की, खुद नबी ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर जो मुफ्ती बैठा है वो इंसानों वाले मुफ्तियों से भी ज़्यादा सच्चा मुफ्ती है, क्योंकि इंसानों वाले मुफ्तियों के सामने तो बाज़ दफ़ा सूरत मसला आई नहीं, तफसीलात मसाइल की आई नहीं, हकीकत किसी चीज़ की है नहीं। अब आप अपनी तरफ से मसले को तोड़ मोड़ के बता रहे हैं, मुफ्ती ने फतवा दे दिया, पर मैं कह नहीं उसी पर बस ना करो, अपने दिल से भी पूछ लिया करो। कि दिल कहकर नहीं भाई, बात करने में थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई है, तभी जवाब यूँ मिला, अगर बात यूँ कहते तो जवाब ये मिलता। इससे अंदाज़ा करें कि दिल की कितनी अहमियत है। तभी तो ये तरीक़त और हकीकत और शरीयत के अंदर सारी बहस दिल पर है कि दिल जो है इंसान का पाक हो जाए, मुज़क्का हो जाए। जैसे मैंने आयत भी तिलावत की कि फ़ाल हमा फजूरा व तकवा, कि इस दिल के अंदर गुनाह का भी इलाम किया जाता है, नेकी का भी इलाम भी किया जाता है। कद अफला मनजक्का, कामयाब हो गया वो कि जिसने इसको पाक और मुजक्का कर लिया। और वह कद ख्वाब मंदसा, और ख़ायब व खासिर हो गया वो शख्स जिसने इस दिल को ज़ाय कर दिया, यानी इसको नापाक और ख़राब रखा। तो हकीकत ये कि दिल के दिल पर सारे मामलात हैं। तो दिल जो ये उज़्वे आखरत है, ये उज़्वे दुनिया नहीं है। इसलिए हदीस पे फरमाया कि दिल से भी फतवा दिया करो, अगरचे तुम लोगों से भी फतवे लेते हो, लेकिन दिल से भी फतवा दिया करो।